ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन फिजिक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो हमारे पास दो कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट हमारा जो कॉलम है वो डिस्कवरी का, और सेकंड हमारा जो कॉलम है साइंटिस्ट का। फर्स्ट इसमें हमारे पास आता है डिस्कवरी में लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन को डिस्कवर किया था न्यूटन ने। सेकंड हमारे पास आता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को डिस्कवर किया जी एस ओम ने, इसको डिस्कवर किया। देन हम बात करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन को आर्किमिडीज ने डिस्कवर किया। फिर हमारे पास आता वायरलेस टेलीग्राम। वायरलेस टेलीग्राम को डिस्कवर किया था मार्कोनी ने। ठीक है, देन हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था, इसको हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था। इसी के साथ प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की अगर हम बात करें तो इसे भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया। फिर हमारे पास आते हैं एटम। देखिए, एटम की बात करने से पहले हम उसके बेसिक जानकारी आपको देना चाहते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि एटम जो होता है उसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, और एटम के जो शेप होता है जो स्फेरिकल होता है, तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर होता है जीरो चार्ज। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस के ये तो आसपास जो एरिया होता है जिसको हम सेल कहते हैं, इन सेल में प्रेजेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। सो ये जो एटम है हमारा, इस एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, एटम को तो डिस्कवर हमारे जॉन डॉल्टन ने किया, और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे इनको भी किन्होंने डिस्कवर किया, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास आता है एटम, तो हमने कहा कि जॉन डॉल्टन ने डिस्कवर किया। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया, और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन ने। तो देखिए, एटम के बारे में ये जरूर याद रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं डायनामाइट। तो देखिए, डायनामाइट का डिस्कवर अल्फ्रेड नोबल ने किया है, और रेडियम का डिस्कवर था वो मैडम क्यूरी ने किया। देखिए, रेडियम का जो डिस्कवर हुआ है मैडम क्यूरी ने किया, तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया। इसके अलावा उन्होंने रेडियो एक्टिविटी कंसेप्ट में भी अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो दिया। फिर हमारे पास आता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ये हमारे फेराडे ने डिस्कवर किया था। और लास्ट हमारे पास आता है रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट के बारे में सीवी रमन ने बताया था। सो इस तरह से क्या कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन फिजिक्स में बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डायनामाइट का डिस्कवर किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, रेडियम का डिस्कवर किसने किया था। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे हम इजिली से अटेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।